Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we shall study science of class 5. Chapter number 3, the name of chapter is environmental pollution. So let's start. Students, the topic that we are going to discuss today is biodegradable and non-biodegradable materials. Pollutants can be divided into two categories. Number 1 biodegradable and the number 2 is non biodegradable. So what is biodegradable? Biodegradable materials, the materials which are naturally decomposed into simpler substances by natural process and mixed in the soil for reuse by plants and animals are called biodegradable material. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको इजीली डिकम्पोज हो सकें इसका मतलब ये होता है कि अपने कंपोनेंट्स में चेंज हो सके, अपने कंपोनेंट्स में टूट सकें. डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, कुदरती तौर पर अगर वो डिकम्पोज हो जाते हैं और हमारी ज़मीन के अंदर वापस मिक्स हो जाते हैं और उनको प्लांट्स दोबारा इस्तेमाल कर सकें, प्लांट्स और एनिमल्स दोबारा इस्तेमाल कर सकें, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारे पास ऐसी चीज़ें जिन्हें हम जो है डिकम्पोज होने के बाद हमारी ज़मीन में शामिल हो जाएं, हमारी मिट्टी में शामिल हो जाएं और पौधे और जानवर इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर ट्री लीव्स, grass, wood, paper, dead organisms, cotton, leather, feathers, fruits and vegetables. स्टूडेंट्स, हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो हमने भी काउंट की हैं ये तमाम हमारे पास बायोडिग्रेडेबल हैं. ट्री लीव्स, दरख्तों से जब पत्ते झड़ते हैं, गिरते हैं तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं. इस तरह से ग्रासेस भी गल सड़ जाती हैं जब वो डेड हो जाती हैं, वुड भी, पेपर भी, कागज़ भी. इसके अलावा डेड ऑर्गेनिज्म, हम जैसे फॉर एग्जांपल जानवरों की डेथ होती है उसके बाद उनको दफनाया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता कई सालों बाद जब हम कब्र जो है वो खोलते हैं तो उसमें सिर्फ हड्डियाँ मिलती हैं, जानवर का जिस्म नहीं मिलता. वो क्या कहाँ चला जाता है? वो डिकम्पोज हो जाता है. इसके अलावा हमारे पास जो कॉटन है, लेदर, चमड़े से बनी जो चीज़ें हैं वो भी डिकम्पोज हो जाती हैं. फीदर्स जो हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास, पर पंख वगैरह ये भी हमारे पास डिकम्पोज होते हैं. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तमाम, ये तमाम की तमाम बायोडिग्रेडेबल हैं, नेचुरली कुदरती तौर पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है, और इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस और ये सॉइल में शामिल हो जाते हैं और सॉइल से दोबारा जो है वो इनको प्लांट्स और एनिमल इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद आ जाते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स पर. नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स कैन नॉट बी डिकम्पोज इंटू सिंपलर फॉर्म बाय नेचुरल प्रोसेस. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते, ये टूट कर अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं होते, अपने कंपोनेंट्स में चेंज नहीं होते. ठीक है, कुदरती तौर पर. एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की? ग्लास, ग्लास हमारे पास नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है. सिरामिक्स, मगर सिरामिक्स क्या है? जो हमारे पास पॉटरी की चीज़ें होती हैं, लाइक बर्तन हो गए, इसके अलावा ईंटें हो गई, ये कुदरती तौर पर डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसलिए मैंने कहते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं. हैवी मेटल्स हैं हमारे पास कुछ, डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह जो हैं, साबुन वगैरह, ये सब जो है वो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते हैं. टॉक्सिक केमिकल्स सारे डिकम्पोज होते हैं. स्टायरोफोम, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो हमारे पास हमारे पास होते हैं डब्बे वगैरह जो होते हैं. ठीक है, डिस्पोजेबल हमारे पास जितने भी ये ग्लास होते हैं या जो डब्बे वगैरह होते हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं. इसके अलावा प्लास्टिक के बैग्स, ये आपको शॉपर वगैरह नज़र आ रहे हैं यहाँ पर पैकिंग में, ये सारे भी हमारे पास क्या हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. ठीक है, इसके अलावा अदर प्लास्टिक थिंग्स, जितनी भी ये बोटल्स हैं हमारे पास, कैंस हैं, ये सब चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती, ये सब टूट कर अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं होती हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. ठीक है, इसके बाद हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द एनवायरनमेंट. हमारे पास क्या एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का? बिकॉज ये तो डिकम्पोज नहीं होती, ये अपने कंपोनेंट में डिवाइड नहीं करते, तो ये ख़त्म कैसे होती हैं, इसका क्या असर पड़ता है हमारी एनवायरनमेंट पर? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेवर डिकम्पोज एंड रिमेन एज प्लूटेंट, ये हमारी ज़मीन को अलग कर रहे हैं क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते, ये कुदरती तौर पर ख़त्म नहीं होते। ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं ये सारे प्लास्टिक की चीज़ें, ये शीशे की चीज़ें, ये कैन वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एंड अदर टॉक्सिक केमिकल्स में कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, हमारे पास ऐसी चीज़ें, ऐसे केमिकल्स, हमने अभी पीछे आपको एन एग्जाम्पल बताया, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो पेस्टिसाइड अगर हम केमिकल्स यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो कि फसलों के लगने वाले कीड़े को किल करने के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड भी हमारे पास कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसके अलावा कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी हैं, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ये फिर क्या करते हैं, जब ये डिकम्पोज नहीं होते हैं तो ये डिजीज़ पैदा करते हैं, बीमारियाँ पैदा करते हैं जानवरों में भी और पौधों में भी। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इन द एनवायरनमेंट बाय नेचुरल प्रोसेस। बेटा जी, हमारे पास जितनी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली रिसाइकल नहीं होती हैं, कुदरती तौर पर इन्हें रिसाइकल ये नहीं होती हैं। हाँ, अलबत्ता हम इनको रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल का इम्पैक्ट जो है वो अपनी अर्थ पर कम कर सकते हैं। 3R स्ट्रेटजी, ठीक है, 3R स्ट्रेटजी में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रिड्यूस। ठीक है, हमें चीज़ों को जो हमारे पास जो पोल्यूशन कोज करती हैं उनके इस्तेमाल को कम करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीयूज़, हमने चीज़ों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना है। रिसाइकल, बार बार चीज़ों को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। ठीक है, ये हमारे पास इजी वे है जिससे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं रिड्यूस पर। वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक आइटम्स एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। हम लोगों को ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल जो है उनसे कम कर देना चाहिए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए प्लास्टिक बनाने के लिए, और बाकी तमाम नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें बनाने के लिए हमें ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए का जो हमारे पास इस्तेमाल है वो कम कर देना चाहिए। वी शुड स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स फॉर ग्रॉसरी, स्नैक्स एंड सैंडविचेस। हमें प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए बिल्कुल ही, ताकि ये प्लास्टिक बैग जो है वो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसलिए ये हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कोज करते हैं, तो उनके इस्तेमाल को तो बिल्कुल ही हमें बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रीयूज़। रीयूज़ द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल शुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर वेरियस पर्पसेस इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम टू इंक्रीज पोल्यूशन। हमें ऐसी चीज़ें जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों से बनी होती हैं इन्हें बार बार काबिल इस्तेमाल मिलना चाहिए, बजाय इसके कि हम इन्हें फेंक दें और इससे हमारी पोल्यूशन इंक्रीज़ हो। हमें इन्हें बार बार काबिल इस्तेमाल बनाना चाहिए। लाइक आपके पास यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल्स को कैसे रीयूज़ किया गया है। ठीक है, हमने बॉटल्स को जो है वो एज पेंसिल बॉक्सेस के तौर पर यूज़ किया हुआ है, प्लांट्स रीप्लांट करने के लिए हमने चीज़ों को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को दोबारा दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। रिसाइकल द यूज प्लास्टिक गुड्स, ब्रोकन ग्लास बॉटल्स एंड टिन कैन बी रिसाइकल्ड ईजीली। हम जो हमारे पास प्लास्टिक की बनी चीज़ें होती हैं, टूटे हुए शीशे वगैरह हो गए, शीशे की बोतलें हो गई, कैन वगैरह हो गए, इनको हम दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। वी शुड रिसाइकल दैम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम एज वेस्ट। हमें इन्हें दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना चाहिए बजाय इसके कि हम इन्हें फेंक दें। ठीक है, ये जो बोतलें वगैरह होती हैं प्लास्टिक, इन्हें दोबारा इकट्ठा किया जाता है और इनसे दोबारा नई बोतलें जो है वो बनाई जाती हैं। हमें इनको फेंकना नहीं चाहिए बल्कि इनसे दोबारा कोई नई चीज़ें बना लेनी चाहिए। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ एंड वी मस्ट शेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री। ठीक है, हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक थ्रेट है हमारी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ शेयर भी करना चाहिए ताकि हम अपनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकें और बिल्कुल ही ख़त्म कर सकें। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बेटा जी, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर and comment the video. Thank you very much.